दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद हुई है। इसी दौरान एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि थाना कविनगर इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों युवक रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पीछा करते हुए उन पर जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में प्रदीप नाम के आरोपी को गोली लग गई, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। पुलिस ने इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर लूट, हत्या, डकैती के कई मुकदमे दर्ज है और इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये आज वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश क्रम में चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान मधुबन बापूधाम पीसी द्वारा सूचना दी गई कि दो बाइक पे संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति गोविंदपुरम चौकी की तरफ आ रहे हैं। वहाँ भी चेकिंग के दौरान जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति प्रदीप है, जिसके पैर में गोली लगी है, और जो इसके बारे में जानकारी की गई तो ये थाना टोनिका सिटी से डबल मर्डर और डकैती में वांछित चल रहा था। इसका एक अन्य साथी था जो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल मिली है, जो थाना कविनगर से ही चोरी हुई थी 2018 में, और जो स्प्लेंडर बाइक इसके पास से बरामद हुआ है वो मसूरी थाने से चोरी की गई थी। तो अभी और पूछताछ की जा रही है, इसके साथी की भी तलाश की जा रही है।